अस्सलाम वालेकुम, मुजम्मिल फ्रॉम ब्रॉडवे लेंडर। आज हम मौजूद हैं डोमिनियन ट्रेड सेंटर के लिफ्ट में। इस वक्त हम आ चुके हैं। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि हमारे पास कुछ ऊपर ऑफिसेज अवेलेबल हैं जो कि फॉर सेल हैं, जिसमें 6th फ्लोर पे भी, 8th फ्लोर पे भी और 2nd फ्लोर पे भी ऑफिस अवेलेबल हैं। वैसे 2 दिन पहले मैंने 1st फ्लोर पे ऑफिस भी सेल किया है, 102। हमारे बड़े प्यारे दोस्त तारिक साहब ने वो बेचा है और जुल्कर मैम साहब ने वो दिया है। अभी हम 6th फ्लोर पे चलें, 4th फ्लोर पे आ जाएं। सलमान भी आ जाएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हम इस वक्त 4th फ्लोर पे मौजूद हैं। वीडियो बनाते बनाते अचानक मुझे याद आया कि यहाँ पे 3rd फ्लोर पे हमारे बड़े प्यारे दोस्त और हमारे जॉइंट वेंचर भी, हमारे पार्टनर भी ट्यूलिप रेजिडेंस के, तो ऑफिसेस की बात करते करते मैं उधर जाना शुरू हो गया हूँ। इस वक्त मैं आपको यहाँ पे मौजूद हूँ 3rd फ्लोर के ऊपर। मैं थोड़ा सा आपको ऑफिसेस के मुतालिक बताता चलूँ। यहाँ पर 1000 से 1100-1200 स्क्वायर फिट के ऑफिसेस मौजूद हैं, जिनकी प्राइस बहुत हाई थी। इस वक्त बहुत आइडियल प्राइस पे, मुनासिब प्राइस पे, यानी कि मिनिमम इस वक्त यहाँ पर प्राइस आपको 65 से 70 लाख रुपया मिलेगी और मैक्सिमम प्राइस तकरीबन 1 करोड़ तक है। अब मैं आपको लिए चल रहा हूँ, हमारे बड़े प्यारे दोस्त सामने नज़र आ गए हैं, गोविंद भाई, ये इनसे मिलते हैं और लाल भाई से मिलते हैं, आपको तारुफ करवाते हैं। कैसे हैं गोविंद भाई की? ये गोविंद भाई हैं ट्यूलिप रेजिडेंस की। अगर आप वीडियो या प्रोजेक्ट देखते होंगे तो आपको तालिब भाई के साथ गोविंद भाई की पिक्चर भी नज़र आती होगी। ये जी हम एंटर होने लगे हैं इस वक्त SSD पे, जो कि हमारे पार्टनर हैं ट्यूलिप रेजिडेंस में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह इनका ऑफिस इन्होंने तैयार किया है। ये इरफान भाई हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवा दें। ये भी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा जा रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड इरफान भाई। उसके बाद ये इनका अकाउंट्स रूम है, अकाउंट्स रूम में देखा है तो ये मोती वाला इस वक्त टेबल पे मौजूद हैं और अपने काम में मगन हैं। ये भी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इनके काम को मैं हमेशा सराहता हूँ, माशाल्लाह, थैंक यू। इसके बाद हम चलते हैं इनके मेन ऑफिस, CEO साहब अगर टेबल पे, वेरी गुड, अस्सलाम वालेकुम। ये जी इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल साहब और हम उन्हें प्यार से लाल भाई कहते हैं। ये हमारे ट्यूलिप रेजिडेंस में पार्टनर भी हैं और सिर्फ इनकी वजह से, इनकी पर्सनैलिटी की वजह से इनसे हमारा कुछ 7-8 साल का ताल्लुक है। आज हैं लाल भाई और इन्होंने हमें मोटिवेट किया कि कमर्शियल प्रोजेक्ट में काम करें, क्योंकि ऑलरेडी ये 2-3 प्रोजेक्ट डिलीवर भी करने की पोजीशन में है। मिडवे बी में इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए, मिडवे ए में अभी इनका ये K4 पे प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है। ए वाला भी, बी वाला तो अप्रॉक्सीमेटली फिनिशिंग पर है, ए वाले में भी काफ़ी सारा काम हो चुका है और ट्यूलिप रेजिडेंस में ये हमारे साथ हैं। लाल भाई थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं। और मैं यहाँ लाने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं बैरियर टाउन में कुछ अच्छे बिल्डर से आपकी मुलाकात, आपका नो हाउ करवाना चाहता हूँ। लाल भाई अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक बताएं और ट्यूलिप रेजिडेंस के मुतालिक भी बताएं। 2016 से कंस्ट्रक्शन का काम किया था, पहले विलास से किया था, फिर हम पिछले 2 साल से हम हाई राइज बिल्डिंग पे आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह अगले महीने में हम 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं और ट्यूलिप के अलावा 2 प्रोजेक्ट और हमारे K4 फेसिंग लिबर्टी 5 पे मतलब चल रहे हैं। एक 8वीं मंजिल
जियो हो चुकी है और दूसरी की पायलिंग पे हम स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा छोटा सा तारुफ है, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। लाल भाई माशाल्लाह इन्होंने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर बहुत सारे विलास हैंड ओवर किए हैं। कुछ इनसे विलास, एक दो विलास मैंने भी लेके अपने क्लाइंट को दिए और वो क्लाइंट इंतहाई सेटिस्फाइड हैं। उसकी वजह ये है कि बेचना विला या अपार्टमेंट बेचना काम नहीं, वो हर बंदा बेच देता है, लेकिन मेन चीज़ होती है क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन आफ्टर सेल सर्विस। जैसे कि मैंने अपने क्लाइंट्स को जब विला इनके लेके दिए तो उसके बाद मैंने अगर इन्हें 6 माह बाद भी 8 माह बाद भी कोई काम बोला है कि भाई ये लाल भाई थोड़ा सा इस काम में इशू है, तो इन्होंने जो सर्विस दी है उस सर्विस की वजह से मैं बहुत मुतासर था। और फिर जब इन्होंने हमें ये कमर्शियल प्रोजेक्ट में आने का कहा तो हमने फिर देर नहीं लगाई और माशाल्लाह अभी हम इस पोजीशन में हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ग्राउंड से बाहर निकल आया है। उसकी बोरिंग मंडे वाले दिन कंप्लीट हुई है। तो हम डोमिनियन में एंटर हुए थे ऑफिसेस के मुतालिक बताने के लिए कि जो हमारे पास ऑफिसेस अवेलेबल हैं, लेकिन डोमिनियन में आने के बाद लाल भाई से ना मिला जाए तो ये मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो मैं उस वीडियो को कंटिन्यू करते करते थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी हो गई है, लेकिन इसी सिलसिले में लाल भाई से भी मुलाकात होगी। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन बैरिया में कोई भी सेल परचेज, किसी भी किस्म का हमारी ट्यूलिप रेजिडेंस में कोई आपको चाहिए हो, कोई ट्यूलिप रेजिडेंस में अपार्टमेंट या शॉप चाहिए हो, या बैरिया में किसी भी किस्म की सेल परचेज करनी हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।